खेती को कमाई का धंधा बनाने के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। ऐसे में यदि आप भी साल भर कमाई करना चाहते हैं तो बागवानी पर फोकस करना जरूरी है। आम, अमरूद और नींबू का बगीचा लगाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। योजना के तहत किसान को पहले साल में लागत का 60% अनुदान, इसके बाद दूसरे और तीसरे साल में 20-20% अनुदान मिलेगा। दरअसल बरसात का सीजन शुरू होते ही खेती किसानी का काम बढ़ जाता है। वैसे तो खरीफ के सीजन में ज्यादातर किसान सोयाबीन, मक्का, उड़द की खेती करते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि खेती को कमाई का धंधा बनाने के लिए खेती के साथ बागवानी पर फोकस करना जरूरी है। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही हीरो एचएफ डेलक्स खरीदे। ऐसा करने से साल भर कमाई होती रहती है और महंगी खेती के लिए लागत मिलती रहती है। ऐसे में उद्यानिकी विभाग द्वारा बरसात का सीजन शुरू होते ही आम, अमरूद और नींबू का बगीचा लगाने के लिए अनुदान सहित तकनीकी सहायता और यहां तक कि पौधे भी मुहैया कराए जाते हैं। 3 साल में बेहतर बगीचा बनकर तैयार हो जाता है और फसलों का सीजन ना होने के बावजूद किसान मोटी कमाई कर सकता है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी पीडी चौबे बताते हैं कि अगर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी करना चाहता है तो बरसात का सीजन सबसे अच्छा समय होता है। बगीचा लगाने के लिए किसान को सबसे पहले उद्यानिकी विभाग में ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, इसके बाद उसे सरकारी नर्सरी से पौधे मिलेंगे। सरकारी योजना के तहत किसानों को न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक बगीचा लगाने के लिए अनुदान मिलता है। अगर किसान अपने हिसाब से करना चाहता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा बगीचा लगा सकता है, लेकिन सरकारी अनुदान तय सीमा में ही मिलेगी। किसान उच्च घनत्व में पौधे लगाता है तो 555 से लेकर 1100 पौधे प्रत्येक हेक्टेयर में लगा सकते हैं। यदि सामान्य दूरी पर लगाना चाहता है तो आम के पौधे के बीच 30-30 फीट की पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। अमरूद और नींबू के पौधे लगाना चाहते हैं तो 6-6 मीटर के पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। सामान्य दूरी में आम के 100 पौधे और अमरूद और नींबू के 280 पौधे आते हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपना खरीफ मौसम है, जो वर्षा काल भी कहा जाता है, वर्षा ऋतु में सबसे अच्छा किसान भाइयों को जो फल पौधरोपण करना चाहते हैं, आम है, नींबू है, अमरूद है, इस तरह के जो यदि पौधरोपण करना चाहते हैं तो वो उसमें प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं विभाग के पोर्टल पे, और हमारी जो शासकीय नर्सरियां हैं वहाँ से पौधे मिलेंगे। पौधे लेने के बाद किसानों को पहले साल 60% अनुदान लागत राशि का, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 20% मिलेगा, बशर्ते इस मौसम में जून के महीने में उनको अपने गड्ढे की तैयारी, जैसे आम की फसल लगाना है तो 3x3 फीट का गड्ढा, अमरूद के लिए 2x2 फीट का गड्ढा और नींबू के लिए भी 2x2 फीट का गड्ढा तैयार करके उसमें प्रति गड्ढे के हिसाब से 20 से 30 किलो गोबर की खाद, दीमक यदि लगी हुई है तो दीमक का पाउडर इत्यादि उपयोग करके उन गड्ढों को जमीन से 6 इंच ऊपर तक भर देना है उनको। और जैसी वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, 1 या 2 बरसात हो जाती है और मिट्टी अपने जो ऊपर से हमने भरी हुई है गड्ढों में वो समतल हो जाती है, उसके बाद हम प्लांटेशन करते हैं। पौधे हमेशा शाम के समय रोपित करें और हमारी नर्सरियों पर कलमी पौधे अच्छी किस्मों के उपलब्ध भी हैं, अनुदान के तहत उनको कलमी पौधे भी मिलेंगे और जो शेष राशि बचेगी उनकी वो किसानों को सामग्री के रूप में या जैसे भी शासन निर्देश होंगे सब से भुगतान कर दी जाएगी। तो ये सीजन मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए जो बगीचे लगाना चाहते हैं अपने बगीचे के शौकीन हैं वो इस संबंध में अपनी तैयारी करके और विभाग के विकास करने में अधिकारी को रहते हैं उनसे संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं। इसमें सर कोई बगीचा कुछ जगह निर्धारित जगह में लगा दो, किस तरह कितनी जगह में लगाए तो कितना अनुदान मिल सकता है? उसमें न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक का उसमें प्रावधान है बगीचे लगाने का अनुदान के रूप में। वैसे चाहे किसान अपने शहर के पेड़ लगाना चाहे तो काफ़ी लगा सकता है और अलग अलग दूरियों पर जैसे उच्च घनत्व से लगाता है तो उसमें लगभग 555 पौधों से लेके 1100 पौधे तक प्रति हेक्टेयर आते हैं। और यदि वो सामान्य दूरी पे लगाना चाहता है तो आम के पौधे आएंगे आपका 30 फीट बाई 30 फीट दूरी, पौधे से पौधे कतार कतार की दूरी, और यदि अमरूद और नींबू की लगाना चाहेंगे तो 6 बाई 6 मीटर की दूरी पौधे और कतार से होगी। लगभग सामान्य दूरी में 280 पौधे नींबू अमरूद के आएंगे और सामान्य दूरी में आम के 100 पौधे आते हैं। उच्च घनत्व में ये फ़ायदा है कि कम जगह में अधिक पौधे लगा के, कम दूरी में पौधे लगा के हम अधिक से अधिक उत्पादन हमारे किसान में प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे तो उसमें ड्रिप का प्रयोग कर लें तो पौधे हमारे जो है
और किसान भाइयों को पहले वर्ष 60% अनुदान मिलता है, दूसरे परसेंट 20%, तीसरे साल भी 20% मिलता है, बशर्ते कि 75% पौधे उसके किसान के खेत पर जीवित पाए जाने चाहिए। हीरो HF डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय RTO बीमा सहित 4,000 रुपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रुपए में। आज ही अब हीरो HF डेलक्स खरीदें।